हेलो मॉमीज एंड डैडीज, हाउ आर यू ऑल। आई नो कि अब आपसे इंतज़ार ही नहीं हो रहा होगा कि कब आपका स्वीट सा हेल्दी सा बेबी आपकी गोद में आ जाए। सो अब हम बात करेंगे प्रेगनेंसी के 9th मंथ की। मेरा नाम है अर्चना, वेलकम टू माय चैनल द वुमेन कनेक्शन। सो अभी आप प्रेगनेंसी के 9th मंथ में हैं एंड वीक्स की बात करें तो 36 वीक्स से 40 वीक्स के बीच में 9th मंथ होता है। अब बात करते हैं बेबी की। तो इस मंथ में बेबी आपका फुली डेवलप हो चुका है, पूरी तरीके से बेबी ग्रो कर चुका है एंड सारे बॉडी पार्ट्स भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गए हैं, सिर्फ हेड को छोड़ के। जो बेबी का सर होता है वो अभी भी काफ़ी नाजुक होता है, सॉफ्ट होता है, क्योंकि जब आपकी नॉर्मल डिलीवरी होती है बेबी का हेड नीचे होता है तो बेबी को उसके हेड से पकड़ के ही बाहर निकाला जाता है। बाहर आने के बाद बेबी का हेड भी धीरे धीरे हार्ड होने लगता है एंड अभी बेबी का वेट इस मंथ में 2.5 kg से 3-3.25 kg के आसपास होगा। हर बच्चे का वेट अलग अलग होता है, ये जेनेटिकली भी होता है एंड आप क्या डाइट फॉलो कर रहे हैं इस पर भी डिपेंड करता है बेबी का वेट। एंड हाइट अभी बेबी की लगभग 20 इंच के आसपास हो सकती है। 2.5 से 3 kg का वेट इंडिया के बच्चों में बिल्कुल नॉर्मल माना जाता है। हमारे इंडिया में ज़्यादातर बच्चे इतने ही वेट के होते हैं एंड इसी के साथ ही अब 9th मंथ में बेबी अपनी पोजीशन भी फिक्स कर लेता है, यानी कि नीचे की तरफ बेबी हेड फिक्स कर लेता है। अगर बेबी का हेड नीचे बर्थ कैनाल की तरफ फिक्स हो चुका है तब आपकी नॉर्मल डिलीवरी की जाती है, इसमें बेबी को बहुत इजीली बाहर निकाला जा सकता है। बट अगर इन केस बेबी का हेड ऊपर की तरफ ही रह गया है तब इस केस में आपकी सिजेरियन डिलीवरी की जाती है और इसे ब्रिज पोजीशन कहा जाता है। ब्रिज पोजीशन में नॉर्मल डिलीवरी करना संभव इसलिए नहीं है क्योंकि बेबी का हेड ऊपर की तरफ है। अगर नॉर्मल डिलीवरी का ट्राई करेंगे तो बेबी को हार्ट बीट बढ़ सकती है, उसे ऑक्सीजन की कमी हो सकती है जिससे बेबी को रिस्क हो जाएगा, इसलिए इस केस में सिजेरियन डिलीवरी की जाती है। अब बात करते हैं कि मॉमीज में क्या चेंजेस हो रहे हैं एंड आपकी नॉर्मल डिलीवरी के लिए कुछ हेल्थ टिप। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि अभी आपका बेबी नीचे की तरफ खसक गया है तो अभी आपका जो ऊपर वाला एरिया है, ऊपर का टमी एरिया, वो थोड़ा सा आपको खाली खाली सा फील होगा, जिसकी वजह से अब आप आसानी से सांस ले सकते हैं। जो अभी तक आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही थी वो आपकी प्रॉब्लम काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाएगी। बट आपका पेट अब नीचे की तरफ थोड़ा ज़्यादा हैवी हो गया है तो आपको नीचे पेल्विक एरिया में ज़्यादा प्रेशर फील होगा, आपके ब्लैडर में ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा जिसकी वजह से आपको बार बार यूरिन जाना पड़ेगा, आपको लोअर बैक पेन भी अच्छा खासा रह सकता है और साथ ही में लेग क्रैम्प्स भी आपको अभी रहेंगे। अभी आपका वाइट डिस्चार्ज भी, जो एक म्यूकस सा निकलता है वजाइना से, अभी आपका वो भी बढ़ सकता है क्योंकि अब आपकी डिलीवरी पास आ रही है, अब आपका किसी भी वक्त पे डिलीवरी हो सकती है तो आपको इसके लिए बिल्कुल प्रिपेयर रहना है। अभी आपका बेबी का मूवमेंट भी पहले से काफ़ी कम आपको फील होगा क्योंकि बेबी इतना बड़ा हो चुका है और अब वो फिक्स हो चुका है अपनी जगह पे तो वो पूरा हिल नहीं पाता है, तो अभी आपको बेबी की मूवमेंट भी काफ़ी कम फील होगी। और प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग से अभी 9th मंथ तक आपका वेट 10 kg से 16 kg तक के बीच में रह सकता है, जो कि बिल्कुल नॉर्मल है। अभी तक जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 7th-8th मंथ से हमें फॉल्स लेबर पेन स्टार्ट हो जाते हैं, बट अब आपका 9th मंथ स्टार्ट हो गया है तो आपको कभी भी ट्रू लेबर पेन भी आ सकता है, तो जस्ट उसके लिए आप प्रिपेयर रहिएगा, उसे आप समझिएगा कि कैसे आपको पता चलेगा कि आपका ये ट्रू लेबर पेन है। आपको बहुत तेज़ हाई इंटेंसिटी से पेन होगा एंड ये पेन आपको बार बार होगा, पहले थोड़े ज़्यादा इंटरवल में होगा, फिर उसका इंटरवल कम होते होते आपको ये पेन हाई इंटेंसिटी से होगा, पीछे बैक से लेके सामने फ्रंट की तरफ एक लहर सी ऐसे आती है जिसे आप समझ जाइएगा कि ये ट्रू लेबर पेन है। और अगर ये लेबर पेन आपको 37 वीक के बाद आता है, मीन्स 37, 38, 39 वीक, किसी भी वीक में आता है, तब आपकी ये फुल टर्म प्रेगनेंसी कहलाती है। और अब बात करते हैं आपकी कुछ हेल्थ टिप्स की। सो सबसे फर्स्ट पॉइंट है कि आपको अगर कोई भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, आपको बेड रेस्ट नहीं है, तो आपको पूरा 9th मंथ तक एक्टिव रहना है,
आपको बैठ के नहीं रहना है, रेस्ट पोजीशन में नहीं रहना है अगर कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है तो। सेकेंड पॉइंट है कि आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना है, जैसे कि मैंने आपको सेवेंथ और एट्थ मंथ में भी बताया था कि ब्रीदिंग एक्सरसाइज स्टार्ट कर दीजिए, जो कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड थर्ड पॉइंट है, अगर आपके डॉक्टर अलाउ करते हैं तो आप बटरफ्लाई पोजिशन में बैठिए एंड स्क्वाट पोजिशन में बैठिए, एक्सरसाइज करिए, जो जिससे आपके पेल्विक मसल्स रिलैक्स होंगे, फ्लेक्सिबल होंगे, तो आपको नॉर्मल डिलीवरी में आसानी होगी। फोर्थ पॉइंट है, 30 to 45 minutes डेली वॉक करना आपको, ये भी बहुत ज़रूरी है। एंड फिफ्थ पॉइंट है, अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखना, ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए, ताकि आपकी बॉडी हाइड्रेटेड रहे। एंड सिक्स्थ लास्ट पॉइंट है कि आपको अपना खाना भी अच्छा खाना है, अच्छी डाइट लेना है, ताकि आपका मिल्क प्रोडक्शन अच्छा हो सके। सो इस तरह से अपना ध्यान रखिए 9th month में। ऑल द बेस्ट फॉर योर डिलीवरी एंड योर बेबी। टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।